So now I'm sharing you the question answers. So this is the question. See, the questions are very easy. देखने के लिए ये long answers हैं and there are only 4-5 questions or 3-4 questions, not more than that. देखो, ठीक है, 3 questions. आपको अभी लिखना है अपनी कॉपी में, then on your video and show it to me that you have completed. So your time starts. Start writing. Any doubt you can ask. After 5 minutes I will scroll down for the second question. Shreyansh, Shreyansh बेटा आपका नाम आ जाता है आप जो भी कर रहे हैं. यस चैतन्य, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन. सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो. मैम क्या आप मुझे पहले प्रश्न का आंसर बता सकते हो? इडियट. मतलब आंसर नहीं, एक्सप्लेन कर सकते हो जी? ओके, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप मुझे पहले प्रश्न का आंसर बता सकते हैं? I'm sorry. चलो बता रही हूँ. And Shreyansh, if you don't want to study or don't want to be in the class, you get out. Otherwise, I will remove you. Don't be so over smart. ये सब दिख जाता है स्क्रीन पे, okay? So first question is, as a part of Eco Club activity, students were asked to raise a kitchen garden in the school premises. Kitchen garden का मतलब ये होता है, आप एक छोटा सा garden बनाए और आप एक Eco Club activity के student हो. एक Eco Club है जो कि Eco friendly होता है, जहां पर आप सारा कुछ organic बनाते हो, तो उधर आपको वैसा ही एक kitchen garden, एक छोटा सा garden आपने. Again Chaitanya and Pulkit. Yes Pulkit. Ma'am, only we have to write questions. Nahi, complete answers. Question with answer. इसलिए मैंने इतने questions रखे हैं कि तुम अब मेरे period में complete करो और मुझे show करो video on करके. मैं देखूंगी अभी. कोई excuse नहीं, कोई homework नहीं. So yes students, it is not for only Chaitanya. आप सब समझ लीजिए कि आपने एक छोटा सा गार्डन बनाना है अपने स्कूल प्रीमाइसेस में, जिसको हम किचन गार्डन भी बोलते हैं. दे वर प्रोवाइडेड विद सम मटेरियल्स गिवन इन द बॉक्स. तो आपके पास भी ये बॉक्स में आपके पास कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे खुरपी मिट्टी खोदने के काम आता है, पानी डालने के लिए काम आता है, स्पेड करने के लिए काम आता है, एंड शॉवल. मिट्टी को पूरा अच्छे से तुमने पढ़ा है क्रॉप मैनेजमेंट वाला, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो लिस्ट द अदर मटेरियल्स यू वुड रिक्वायर, हाउ विल यू प्लान द गार्डन, राइट द स्टेप. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनालाइजिंग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपकी क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आप कुछ एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी लाइफ से रिलेटेड. अगर मान लो इनकेस कभी आपने गार्डन बनाना है, या बहुत से लोगों को एग्रीकल्चरल के थ्रू कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके सामने आना चाहिए. एंड नॉट ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस यू हैव. तो अभी अपने पास तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, तो हमारा उसमें आंसर्स है. द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड, जैसे सीड चाहिए होगा. अब किचन गार्डन बनाना है तो कौन सा प्लांट लगाना है. देन किचन वेस्ट, किचन वेस्ट में आपके सब्जियों का जो कचरा होता है आप वो डाल सकते हो, उसके साथ में आप एक्शेल्स डाल सकते हो, ऐसी चीजें डाल सकते हो, वर्म्स डाल सकते हो, अर्थ वर्म्स डाल सकते हो जो उसको डिकम्पोज कर सके. तो ये सबसे अच्छा मैन्यूर है. अब स्टेप्स फॉर रेजिंग द गार्डन, कैसे गार्डन को हमने बनाना है, ये उसके स्टेप्स हैं. सो राइट फास्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. योर क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 10:40 एंड एंड्स विथ 11:15. 11:05 तक आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो जाने चाहिए. देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस. उसके बाद वीडियो ऑन करके आप अपनी कॉपीज मुझे दिखाएंगे, सो दैट आई विल राइट द नेम्स. एंड दोज हु दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैड गॉन फॉर
help them and tell them to check from the portal, or you can show the answers or questions to them. ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे help कर सकते हैं. If this part is completed, anyone can message me to scroll down for the next question. अगर होने के बाद आप बता सकते हैं. ओके पुलकित, चैतन्य? यस मैम, आई वाज आस्किंग दैट ये जो एनुअल एग्जामिनेशंस है मैम, विल दे हैपन इन वीजे वीक स्कूल? यस, होप सो. 80% इज कंफर्म दैट इट विल बी इन स्कूल. ऑफलाइन होगा. ओके फाइन, बाय बाय बाय. Okay, first answer completed means this part is completed. I'm scrolling to the next part.
किससे होता है स्टूडेंट्स डबल क्लिक करो डबल क्लिक करो इसी पे वही पे नहीं नहीं उसमें उसमें डबल बना हुआ एक मिनट मैंने वीडियो ऑन करके फ्रेंड्स ना आवाज आ रही है वो लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे इसको बताते हैं स्टूडेंट्स आवाज आ रही है जस्ट रेज हैंड आवाज आ रही है ना सर की आप लोग हैंड रेज कर लीजिए हाँ, आ रही है सबको स्टूडेंट्स जो अभी वर्चुअल स्पोर्ट्स के लिए जो पार्टिसिपेशन में नाम दिए थे अपना वो अभी 10 मिनट के बाद सेम लिंक में जाके जो ग्रुप में लिंक भेजा गया था स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 मिनट के बाद ओके किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हो सुर ओके सर आई वांट टू सर सुर यस मैम नमन कुछ बोलना है यस मैम मैम आई वांट सर मैं मीन्स आई पार्टिसिपेटेड इन योगा पोस्चर एंड मतलब मेरा मतलब डन नहीं हुआ था जो जो पार्टिसिपेशन मेरा नाम स्किपिंग के लिए आपने बोला था पार्टिसिपेशन में नाम दिए हैं आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जो जो नाम दे दिए हो आप एक आपको गूगल फॉर्म भेजा गया था उसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल करके भेजा था ना सबमिट किया होगा यस सर जो नाम दिए थे उन्हीं को बोल रहा हूँ यस सर पार्टिसिपेशन जो नाम दिए थे वो 10 मिनट के बाद अगर जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं अभी हुआ था इवेंट लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जो वो फिर से अभी आके लॉगिन हो जाएंगे जो ग्रुप में लॉगिन आपको आईडी दी गई थी ठीक है एक डिक्रिंग दे दी गई थी उसके okay, बाद देखते हैं के बाद इवेंट स्टार्ट हो जाएगा लिंक में रेडी हो जाओगे 10 मिनट के बाद लिंक ज्वाइन करना है हाँ सेम लिंक में फिर से आ जाएंगे 10 मिनट के बाद सर और जी उसको नहीं करना है ना ज्वाइन किसको ज्वाइन नहीं करना है हो गया उसको नहीं करना है ना ज्वाइन नहीं करना है वो अपनी रेगुलर क्लास में लेके हो गया कुछ बोलना है बोलो जो ज्वाइन नहीं करेगा जो पार्टिसिपेट नहीं जो इससे पहले जो क्लास अटेंड करते रहेगा सर पुलकित हां बोलो सर जो इससे पिछले वाले मतलब जो हुआ था उसमें जो कर चुका है उसको वापस नहीं करना ना पिछली बार में किया था उसको दोबारा करने को मिलेगा क्या कर सकते हैं पुलकित और मैम जो पहले कर लिया उसको मतलब कंपलसरी नहीं है ना जो पहले कर चुका है पहले कर चुका उसके लिए कंपलसरी है क्या ऐसा कंपलसरी नहीं है सर जा रहे हैं ठीक है ठीक है मैम हो गया कैन यू स्क्रॉल दिस स्क्रीन 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मैम स्क्रॉल करो ना एक मिनट दिख रहा है सबको कमेंट चैट में कमेंट करो सबको दिख रहा है यस मैम विजिबल है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ठीक है सेकंड क्वेश्चन यस मैम ये सेकंड क्वेश्चन
यस मैम यस पुलकित हैंड रेज किया तुमने ओ मैम पहले किया था हो गया मैम नमन नमन मैम मैंने भी पहले किया था सॉरी मैम तो हाथ नीचे करो तुम लोग मुझे लगता है तुम लोग को अभी कुछ प्रॉब्लम है करके सक्षम आपका सक्षम चलो ठीक है मैम मैम वी हैव टू शो कॉपी मींस टुगेदर और यू विल कॉल नेम एंड वी विल शो नहीं मैं पूरा वीडियो अभी पूरा जब तुम लोगों को ये खत्म हो जाएगा इसको क्लोज करके मैं सबका वीडियो देखूंगी 5 मिनट्स बचे हैं थोड़ा जल्दी फटाफट इसके बाद एक और क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन कंप्लीटेड नेक्स्ट पीरियड में ये तीनों क्वेश्चंस तुम लोगों को रट जाने चाहिए Finished. दिखाऊं third question. Okay. मैम स्क्रॉल करो ना नीचे नीचे मतलब कौन सा वाला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बहुत नीचे आना पड़ेगा हो गया सबका ये वाला केशव थोड़ा वेट कर लो बेटा This is third. इलेवन फाइव होने वाला है 11:15 पे क्लास ओवर होगी पुलकित फास्ट
सक्षम पुलकित, पहले ये वाला कर लो फिर मैं ऊपर करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों का फास्ट हो गया है, केशव जैसे और भी लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं। कौन से खाते में आप डाल रहे हैं? अच्छा, मैं सोची कि केशव। यस मैम। हाँ, हैंड रेज किया आपने। मैम वो पहले से था। ओके। I hope finished. Five minutes left. Nahi hua hai Saksham. ये याद रखो कि मैंने सबसे पूछना है नेक्स्ट टाइम।
चलो लिखते लिखते आप लोग अपनी कॉपीज शेयर करना शुरू करो ऑन योर वीडियो. डोंट शो योर फेस, जस्ट कॉपी. मैं देखना शुरू कर रही हूँ. ऑन योर वीडियो टुवर्ड्स योर कॉपी. जल्दी केशव, पुलकित, चैतन्य, श्रेयान, शैली, सक्षम, ऋषिका, पहल, कुशल, जीनल, दिशा, भावी. ऑन करिए. जितना भी हुआ है उतना ही दिखाइए और ऑन करिए वीडियो. इट मीन्स अगर आपने नहीं दिखाया तो मतलब यू पीपल आर मेकिंग फूल. चैतन्य, डोंट रेज हैंड, आई वॉन्ट टू सी द फेस, फेस ऑफ द कॉपी. यस मैम, आई वाज टेलिंग मैम, आई एम इन माय आंट्स हाउस, देयरफॉर आई डोंट हैव माय नोटबुक. यू आर वेयर मैम? आई एम इन माय आंट्स हाउस. सो देयर इज नो एक्सक्यूज चैतन्य, दैट इज नॉट अ एक्सक्यूज. बट मैम आई डोंट हैव सो मैम, मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तो भाई आप कहीं भी जाओ, अपनी कॉपी तो लेकर जाओ. आपकी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. सम ऑफ यू, सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर टेलिंग वन डे दैट मैम आई एम इन मार्केट प्लेस, सो आई एम जस्ट कैरिंग ऑन माय क्लासेस फ्रॉम मार्केट इटसेल्फ. तो मतलब यू पीपल आर आउटसाइड एंड वी आर टेकिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर हेड. तो ये गलत है ना? पुलकित, यस आई हैव सीन. पुलकित के बाद दिखाते चलो, मैं देख रही हूँ सबकी कॉपीज. किसी ने भी वीडियो अभी तक ऑन करके नहीं दिखाया मुझे एक्सेप्ट पुलकित. हाँ पुलकित, यस गुड. नेक्स्ट कौन है? केशव, चैतन्य ने ही हैज गिवन मी द राइट एंड द ट्रू एक्सक्यूज दैट ही इज आउट, सो ही हैड नॉट रिटर्न. एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट एक्सक्यूज. सब बाहर हो गए. यस केशव, मैं लास्ट टाइम उसके बाद दिखा रहा हूँ. मुझे एटलीस्ट कॉपी देखनी है बस. तुम कुछ भी पूछो मैं सब बताऊंगा. यस मैम, होने वाली है. हाँ तो कॉपी दिखाओ. यस मैम, लास्ट वर्ड in this time. Yeah. Ho gaya man. Paro. Very good Keshav. Thank you. इसके बाद शैली, श्रेयांश, सक्षम, दिशा, बार बार आप लोगों का नाम लेना रहता है. आज से मेरी क्लास में जो लोग ऐसे एक्टिवली प्रेजेंट नहीं होंगे वो एब्सेंट है. मैं अभी जाके एब्सेंट मार्क करवाती हूँ. रुको, मैंने वैसे भी मोबाइल पे फोटो क्लिक करी ही है. तुम लोग को क्लास में ऐसे रहना है कि दिखा रहे हो कि ऑनलाइन हो लेकिन हो नहीं क्लास में. शैली, श्रेयांश, सक्षम, दिशा, वेटिंग फॉर टाइम कंप्लीटिंग. चैतन्य कुछ बोल रहा है? मैम, यस मैम, आई वांटेड टू आस्क दैट मैम, आप मैंने कहा था ना मैम, आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स ला सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आज निकाला था. एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं सोची थी, मैंने निकाल के रखे थे तुमको दिखाने के लिए, तुम सबको दिखाने के लिए. बट इसी में पूरा टाइम हो गया, उस पर भी तुम देख रहे हो तुम्हारी क्लास में सब कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
सिर्फ दो तीन स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी तो सिर्फ दिख रहे हैं कि वो क्लास में है, बट वो क्लास में है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यू हैव थ्री क्वेश्चंस जो कि मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, बी रेडी विद द आंसर्स। नेवर माइंड कि दो तीन ही आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड। जब ऑफलाइन एग्जाम होगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा कि किसको कितना आता है। ठीक, सो